इन दिनों आईपीएल 2025 को लेकर रिटेंशन और सैलरी कैप की खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चल रही है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इस महीने के अंत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक हो सकती है। बीसीसीआई ने सभी टीमों के मालिकों को 30 से 31 जुलाई को मीटिंग के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। हालांकि अभी भी सटीक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। ये बैठक मुंबई में बीसीसीआई ऑफिस में होने की उम्मीद है। आमतौर पर ऐसी बैठकें 5-स्टार होटल में आयोजित की जाती हैं, लेकिन बोर्ड सभी फ्रेंचाइजी मालिकों को वानखेड़े स्टेडियम के अंदर अपने नए ऑफिस में आमंत्रित करना चाहता है। आपको बता दें, इस मीटिंग में सैलरी कैप पर भी चर्चा होगी, जो कि अगले 3 साल के साइकिल के पहले साल में लगभग 120 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी के रिटेंशन वैल्यू पर भी चर्चा हो सकती है। आईपीएल 2022 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में टॉप रिटेंशन सैलरी कैप का लगभग 16-17% था। इस हिसाब से इस बार टॉप रिटेंशन प्लेयर की सैलरी 20 करोड़ के आसपास हो सकती है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा खिलाड़ियों का रिटेंशन होगा। इस मामले में अलग अलग फ्रेंचाइजी अलग अलग नंबर्स की मांग कर रही हैं। कुछ ने 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग की है, कुछ ने 4 को, वहीं कुछ ने एक भी खिलाड़ी रिटेन करने के लिए नहीं कहा है। इस बात पर भी बहस चल रही है कि मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच का विकल्प रखा जाए या नहीं। बीसीसीआई ने प्रमुख मुद्दों पर फ्रेंचाइजियों के विचार जाने हैं। आईपीएल के सीईओ हेमांग अमीन ने इस महीने की शुरुआत में फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों से या तो विभिन्न शहरों में उनके मुख्यालयों में जाकर या उन्हें बीसीसीआई कार्यालय में बुलाकर मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।